नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में। आज मैं किचन गार्डन में हूँ, टॉप फ्लोर पर। और ये देखिए, आप सब भी देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल एंजॉय पॉप्स एंड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, अब सर्दियाँ भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, बढ़ रही हैं। और ये देखिए, बैगन खूब अच्छे बैगन लग रहे हैं। और ये देखिए, धनिया भी हमारी बड़ी हो रही है। और अभी मैंने इसमें से हार्वेस्ट नहीं किया है, इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ा और बढ़ जाए, अभी बहुत छोटी है। और ये देखिए, हल्दी एज यूज़ुअल बढ़िया चल रही है। और ये गेंदे के फूलों का तो कहना ही क्या, इसको देख के एकदम मन खुश हो जाता है। और देखिए, इसमें भी धनिया भी लगी है और एक दो पालक भी लगे हैं। बहुत अच्छे निकलते हैं, बड़े बड़े पालक निकलते हैं इसमें। अब देखिए, ये चना चना भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। एक बार मैंने थोड़ा सा इसको, जितना प्रूनिंग करते हैं बड़ा होता है, मैं एक बार कर चुकी हूँ और आज फिर मैं भी थोड़ा करूँगी। और ये टमाटर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं इसमें हर 15-20 दिन में, बल्कि और पहले कह लीजिए 12-15 दिन में, वो जो मेरा ऑल इन वन सॉल्यूशन है, मैं उसी को डालती हूँ। और साथ साथ इसमें कई बार चूने की कमी हो जाती है, कैल्शियम की, तो फिर इसके जो ये टमाटर हैं नीचे से सड़ने से लगते हैं, काले से पड़ने लगते हैं। तो पिछले साल मेरे टमाटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो इस साल भी मैं 15 दिन में इस पर एक बार स्प्रे कर देती हूँ चूने के पानी का। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट आपका जल सकता है। तो आप बस ये समझ लीजिए, 10 लीटर का जो पानी है, 10 लीटर पानी लेकर मैं उसमें सिर्फ 1 ग्राम के लगभग, बहुत थोड़ी सी मात्रा में चूना घोलती हूँ, जो बुझा हुआ चूना मेरे पास है। और मैं अपने सारे टमाटर के प्लांट से, टमाटर क्या, सभी प्लांट से मैं स्प्रे कर देती हूँ ऊपर से। और इस बार तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और टमाटर भी लग रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ का, ये ग्रो बैग्स में है और वो वाला टब में लगा हुआ था, तो इसमें भी देखिए अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। अभी पकने तो नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन टमाटर अभी बन रहे हैं और निकल रहे हैं। गेंदा देखिए, मैंने खूब लगा दिया था इस बार बीच बीच में, जगह जगह पर। ये भी इंसेक्ट्स को आने से रोकते हैं और अच्छा भी लगता है, पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो आप भी जब इसे चूने का स्प्रे करें, मिट्टी में तो हम मिलाते ही मिलाते हैं, जब भी मिट्टी में बनाती हूँ, जब भी आप चूने का स्प्रे करें तो मात्रा का बहुत ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि चूना भी जो है वो बुझा हुआ हो। और अब देखिए, ये मैंने पत्ता गोभी लगाई थी फ्रेंड्स, ये लग गई है। और इसमें भी मैंने सरसों की खली को भिगोकर उसको एक बार मैं दे चुकी हूँ, 3-4 दिन सरसों की खली को भिगोया था और फिर उसको डाइल्यूट करके मैंने दिया था। साइड में मैंने एक दो मूली भी लगा रखी है, और देखिए वो भी ग्रो कर रही है। और ये देखिए, इसमें भी मैंने मूली लगाई थी, कुछ हार्वेस्ट कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे पत्ते ज़्यादा चाहिए होते हैं मूली के, तो कर चुकी हूँ और अब इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। इस टब में भी मेरा पालक लगा हुआ है, और 2-4 मैंने डाल दिए थे मटर के दाने। और इसमें भी कुछ मिली जुली चल रही है सरकार, कुछ मटर है, 1-2 गोभी है, और देखिए एक चने का बीज पड़ गया होगा तो ये भी उग रहा है, और साथ साथ पालक भी बड़ी हो रही है। तो जो पहले हो जाएगा उसको हार्वेस्ट कर लूँगी। और देखिए करेले का प्लांट, और अभी इसमें ये फ्रूटिंग हो रही है, कई फल लगे हुए हैं, लेकिन आज मैं इसको हटा देती हूँ। आज मैं इसको हटा के फिर इसमें मैं मूली या कुछ और भी लगा दूँगी। देखिए ये है, और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा फालतू, इसको अब इसको लटकाए रखना बेकार है। इधर भी देखिए करेला, इसको भी तोड़ लेती हूँ मैं, देखिए। और
एक ये छोटू सा है। और ये देखिए लौकी निकालने जा रही थी, फिर मुझे इस पे लौकी दिख गई तो भी नहीं निकालूंगी। इधर भी लग रही है बहुत सारे, इसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं फूल, और एक लग भी गई है तो अभी इसको भी मैं नहीं उखाड़ती। और इसमें देखिए ये, इसमें देखिए मेथी लगा रखी मैंने, मेथी निकल रही है, और इसमें सरसों लगा रखी है, ये देखिए पत्ता गोभी है ये भी, और ये देखिए शेयर किया था मैंने कि इसके साथ टमाटर के साथ मैंने मूली लगा रखी है, तो दोनों ही चल रहे हैं। टमाटर भी देखिए इसमें टमाटर भी लगने शुरू हो गए हैं, टमाटर भी लग रहे हैं। प्लांट भी बहुत हेल्दी है, बहुत सारे देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, इसमें भी फ्लावर्स निकल रहे हैं। और ये मूली तो थोड़े से बड़ी होगी, जहाँ पत्ते बड़े होंगे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, इसमें भी इस हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगी, अभी बस एक दो दिन में इसको भी कर लूँगी। और फ्रेंड्स देखिए ये सरसों लगाई है, ये मेरी कहीं दूसरे गमले में उग गई थी तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के इसमें लगा दिया है, और सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के सारे प्लांट्स लग गए हैं। ये देखिए बैंगन की हार्वेस्टिंग हो रही है, आ गए दो बढ़िया बैगन हमारे पास। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मटर लगाई थी इस क्यारी में, मटर और पालक, तो मटर तो हमारी ये फूलने लगी है, इस बार कुछ जल्दी ही फूलने लगी है। पिछली बार तो प्लांट खूब अच्छा बड़ा हो गया था तब उसमें मटर निकली थी, और मैंने इसमें भी पिंचिंग की है, और अब निकलने देते हैं, कुछ कर दिया है, और अब जो भी निकल रही है एक दो हरी हरी खाने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए इस टब में भी कुछ गोभी भी है, पालक भी है, और एक दो मटर भी है। थोड़ा बड़ा कंटेनर है तो मिक्स करके ही लगा देते हैं। और इधर देखिए बैंगन इधर भी लग रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लगा था पालक, मैंने चार पांच बार हार्वेस्ट की थी और फिर मैंने निकाल के अब इसमें मैं लगाऊंगी फिर से, कुछ और मेथी पालक वगैरह लगा दूंगी। देखिए अभी भी जो छूट गए थे वो फिर उसी में अपने जने जमा रहे हैं, तो अभी बस मैं इसको दो दिन धूप दिखा चुकी हूँ, दो दिन और धूप दिखाऊंगी, और फिर इसमें गोबर की खाद डाल के पालक या मेथी दोनों मिक्स करके ही लगा दूंगी। और ये देखिए लोबिया, जब इसको सोचती हूँ कि इसका कंटेनर खाली करूँ तो देखिए इसमें इतने सारे फूल निकल रहे हैं और बहुत सारी लोबिया लग भी रही हैं, तो फिर मन वही हो जाए, लालच में पड़ जाता है कि इसको बढ़ जाने दो और फिर उसके बाद लगाऊंगी, तो ठीक है चलिए बढ़ी जाने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ तो अभी एक दो कंटेनर का काम है उसको ही कर लूँगी, और फिर इसके बाद तीन चार दिन में ये भी बढ़ जाएगा, फिर मैं इसको खाली करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।